नमस्ते, आयुर्योग हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद और योग का संयोग करें हर तन निरोग। हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें आयुर्योग हेल्थ, गेट वेल सून। नमस्कार दोस्त, आयुर्योग हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आयुर्वेद की मशहूर औषधि भृंगराज तेल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं भृंगराज तेल बनाने, इसके लाभ के बारे में, इसमें प्रयोग होने वाले औषधियों और इसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यह तेल भारत की विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। इस तेल का प्रयोग बालों को झड़ने तथा सफेद होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं और सफेद हो रहे हैं तो इस तेल को शुद्ध रूप में घर पर बनाकर प्रयोग करें और बाल झड़ने तथा पकने की समस्या से निजात पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस तेल के निर्माण में कौन कौन सी औषधियों और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। भृंगराज का रस 1250 ml, ब्राह्मी का रस 250 ml, आंवला का रस 500 ml, तिल का तेल 500 ml। कल्क द्रव्यों में हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, कचूर, लोध्र, मंजीठ, बाकुची, सफ़ेद चंदन, अनंतमूल, मेहंदी, प्रियंगू, मुलेठी, जटामांसी तथा कूट प्रत्येक द्रव्य 5 ग्राम लें। अन्य सामग्रियों में 3 भगोने या बड़ी कटोरियां, 1 खल्व, 1 लोहे की कढ़ाई, 1 पलटा, सूती कपड़ा, 1 मिक्सर ग्राइंडर तथा गैस चूल्हा की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, भृंगराज तेल को कैसे बनाएं? तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस तेल को कैसे निर्मित करना है। सबसे पहले साफ ताजा भृंगराज का पौधा लें, उसको किसी हथियार जैसे गणासे आदि से काट कर छोटे छोटे भाग में कर लें। फिर सील बट्टे पर इसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। तत्पश्चात सूती कपड़े में रख कर इसको निचोड़ कर और इसका रस निकाल कर भगोने में इकट्ठा कर लें। इसके बाद साफ ब्राह्मी का पौधा लें ताजा, इसको भी गड़ासे से छोटे छोटे भाग में काट लें। सिलबट्टे पर फिर इसको पीसकर कपड़े से निचोड़कर रस निकालकर सुरक्षित रख लें। अब साफ ताजा आंवला लें, चाकू से काटकर इसकी गुठली निकालकर अलग करें। हमें आंवले का रस निकालना है, जिसके लिए हमें इसके बीजों को या गुठली को अलग करना पड़ेगा। जब सभी आंवले की गुठली निकल जाए तो इसको मिक्सर में डालकर पीसकर लिक्विड पल्प बना लें। फिर इसको सूती कपड़े में लेकर निचोड़ें और इसका रस निकालकर सुरक्षित रख लें किसी बर्तन में। अब कल्क वाली औषधियों को खल में लेकर कूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। दोस्तों, तेल निर्माण की सभी आवश्यक औषधियां तैयार कर चुके हैं हम लोग। अब चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाएं, फिर इसमें तिल का तेल ऐड करें, थोड़ा गर्म होने दें, फिर गैस बंद कर दें थोड़ा गर्म जब हो जाए तो। फिर कल्क द्रव्यों को ब्राह्मी रस में डालकर इसमें मिला लें, अच्छे से सान लें उसको। फिर सावधानी पूर्वक हल्के गर्म तेल में धीरे से डालें। यह काम बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि रस मिश्रित कल्क में पानी का अंश होता है, जिसको गर्म तेल में डालने पर आप जल भी सकते हैं तेल की छींटों से। सो बी केयरफुल। अब इसमें भृंगराज का रस धीरे धीरे सावधानी पूर्वक ऐड करें। नीचे बैठे भाग को भी हाथों से साफ कर ऐड करें। फिर आंवले का रस लें, उसको भी धीरे धीरे ऐड कर दें कढ़ाई के अंदर। दोस्तों, अब गैस को ऑन कर दें और मध्यम आंच पर धीरे धीरे इसको पकने दें। तेल निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें कई घंटे तथा कभी कभी दिन भी लग जाते हैं। यह डिपेंड करता है आप कितना बड़ा बैच बना रहे हैं, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे और मध्यम आंच पर ही तेल को पकाएंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें उबाल आने लगेगा, सावधान रहेंगे, अन्यथा यह बाहर भी फेंक सकता है और आप जल भी सकते हैं। पलटे से हमेशा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, ताकि कढ़ाही में लगने न पाए। न चलाने से साइड साइड में कढ़ाही में पकड़ने लगता है, तो इसको समय समय पर चलाते रहिए। दोस्तों, मेडिकेटेड ऑयल
को ड्रग डिकॉक्शन तथा जूस के साथ लगातार बॉयल करके पकाया जाता है, इसलिए इसकी पोटेंसी और इफिकेसी अत्यधिक बढ़ जाती है। जूस मिलाकर पकाया गया तेल अत्यधिक पोटेंसी वाला और अत्यधिक इफिकेसी वाला होता है। बड़ी कंपनियों में भृंगराज तेल औषधियों के रस की जगह काढ़े से निर्मित होता है, जिससे इसकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है और यह कम प्रभावी हो जाता है। दोस्तों, कुछ घंटों की पाक प्रक्रिया के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा तेल पूरी तरह पक चुका है, इसको ठंडा करेंगे। फिर तेल में जो कल्क औषधियाँ हैं उनको पलटे से कढ़ाई की साइड पर ऊपर की तरफ कर देंगे, ताकि तेल उनमें से रिस कर बीच में इकट्ठा हो सके। फिर इसको कपड़े से छानेंगे, सूती कपड़े में लेकर कल्क द्रव्यों को हार्ड प्रेस करेंगे, जिससे कि उसमें उपस्थित जो तेल है वो बाहर निकले। जोर लगाकर निचोड़ें इसको, ताकि पूरा तेल बाहर आ सके। दोस्तों, भृंगराज तेल बनकर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसको किसी डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख लें। यह भृंगराज तेल आयुर्वेद की महान पुस्तक सिद्ध योग संग्रह के अनुसार निर्मित किया गया है। कैसे प्रयोग करें इस तेल का? भृंगराज तेल एक मेडिकेटेड ऑयल है। जिन पुरुष या स्त्री के बाल झड़ रहे हों या सफ़ेद हो रहे हों समय से पहले, उन्हें प्रतिदिन सोते समय इस तेल से सिर की मालिश करनी चाहिए। भृंगराज तेल के चमत्कारिक लाभ क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं इसके? दोस्तों, भृंगराज तेल एक चमत्कारिक औषधि है, जिसको सैकड़ों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ईजाद किया था। इस तेल के रोज सिर पर लगाने से सिर के बाल बढ़ते हैं तथा सिर दर्द, बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, मस्तिष्क की कमजोरी आदि रोग अच्छे हो जाते हैं। रोजाना इस तेल को सिर में लगाने से बाल न तो जल्दी पकते हैं और ना ही जल्दी झड़ते हैं। स्वस्थ स्त्री पुरुष को भी इस तेल को रोजाना सिर में लगाना चाहिए। इससे बाल मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं तथा स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, तेल निर्माण या बालों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कृपया कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आप इस तेल का स्वयं निर्माण कर अपने बालों को तथा अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति के बालों को झड़ने तथा पकने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल आयुर्योग हेल्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्द ही हम एक नए आयुर्वेदिक योग या रेसिपी को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक देखते रहिए आयुर्योग हेल्थ। गेट वेल सून। धन्यवाद।